बाबा मुझे कॉलेज जाने दे, मेरी सब फ्रेंड्स कॉलेज जा रही है, मुझे ही जाने नहीं देते आप। बेटी मुझे डर लगता है आजकल के जमाने से। बेटी मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे औरों से डर लगता है। बाबा आप यकीन करें, आपकी अम्मारा कोई गलत नहीं करेगी। अरे जाने दे, ये सैया शादी है और ये कोई गलत काम नहीं करेगी। जाने दे कॉलेज, ये पढ़ना चाहती है, वैसे भी आजकल अनपढ़ की क्या जिंदगी है भला, पढ़ लिख कर अच्छे बुरे का लिहाज जान जाएगी। बेटी तुम्हारी छोटी बहन भी कल को कॉलेज पढ़ना चाहेगी, तुम साबित करना कि कैसे खुद को संभाल कर रखोगी। बाबा मैं आपसे वादा करती हूं, आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। बेटा तैयार हो गई? जी बाबा। अमारा हमें तो लगा था कि तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। यार हम लोग सैयद बहुत सख्त होते हैं, हम लड़कियों को यूं आजादी नहीं देते। जानती हो मेरे बाबा के साथ मेरे चाचू लोगों ने कितना झगड़ा किया मेरे कॉलेज आने में। वो बाबा से कह रहे थे कि अमारा को पढ़ाना है तो किसी मदरसे में पढ़ाए, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे हर हाल में डॉक्टर बनना है। यहाँ हम सब लड़कियां हैं ना, फिर तुम पढ़ना क्यों करती हो? यहाँ मर्द टीचर भी तो हैं, मैं उनसे पढ़ना करती हूँ। अब तुम इतनी भी ना बनो, सर से पढ़ना करो, वो हमारे टीचर हैं, उन्होंने खा नहीं लेना तुमको। अरे मैं सैयद जादे की अमानत हूँ और मैं कभी नहीं चाहती कि मुझे सैयद जादे के अलावा कोई और देखे। मेरा नाम फरहान है, मैं आप लोगों का न्यू टीचर हूँ, आज के बाद आपको साइंस मैं पढ़ाया करूंगा। यार सर बहुत खूबसूरत शहजादे लगते हैं ना। आपका नाम? सर मैं अमारा। आप क्लास में भी नकाब? मेरा मतलब है आप क्लास में भी नकाब पहने हुए ऐसा क्यों भला? सर मैं पर्दा करती हूँ। बहुत अजीब बात है, आप लड़कियों से पर्दा करती हैं? नहीं सर, आपसे पर्दा करती। माशाल्लाह आप बहुत बाहया लगती हैं। यार सर फरहान बहुत अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं, तुमको बस ऐसा लगता है, सबकी तरफ सर ऐसे ही देखते हैं। अमारा यार तुम्हारी आंखें भी कितनी खूबसूरत है, कोई भी तुम्हारी आंखों में डूब सकता है। आज रिजल्ट है, बहुत मजा आएगा पार्टी में, मैं तो बस आंखों में काजल लगा कर आऊंगी। यार तुम नीले हिजाब में क्या खूबसूरत नजर आ रही हो। अमारा आज तो हिजाब उतार दो। सर आप मेरे हिजाब के क्यों पीछे पड़े रहते हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बार बार ऐसे कहना। अमारा मुबारक हो, फर्स्ट पोजीशन। अमारा बहुत बहुत मुबारक हो, हाथ नहीं मिलाओगी? खैर मुबारक सर। सॉरी सर मैं हाथ नहीं मिला सकती। मुझे तो लगता है सर फरहान अमारा पर मर मिटे हैं। अमारा कैसी लड़की है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। सर अमारा सैयदजादी है, वो ऐसे कामों से बहुत दूर है, वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। पर मामला दिल का है, दिमाग कहता है कि दूर रहो, अमारा से दिल कहता था कदमों में फना हो जाओ। सर प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरी दोस्त ने मुझे सब बता दिया था। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं खत्म कर दें, प्लीज मेरा फ्यूचर मेरी इज्जत खराब ना करें।
सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ और अपने बाबा का मान हूँ। सर मैं आपकी कंप्लेन करूंगी, आपकी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? अम्बारा मेरी मोहब्बत पाक है, मैं तुमको चाहने लगा हूँ तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी जान भी निकल जाए ना, फिर भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। सर अपनी औकात में रहे, आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा ना, मैं अपने आप को इसकी सजा दूंगा। सर हाथ में क्या हुआ? आपको छूने की सजा, जलाया है हाथ को। सर ना करें, ऐसा रुक जाए, ना करें, मैं नहीं करना चाहती मोहब्बत। और सर मैं ही क्यों? क्योंकि दिल ने आपको तस्लीम किया है, जिसको दिल कबूल कर ले फिर जान तो निकल सकती है, लेकिन इसके बिना जीना मुमकिन नहीं रहता। सर मैं कल रात सो ना सकी थी, ना जाने क्यों मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा था। सर कोई ताकत मुझे आपकी याद से निकलने ही नहीं दे रही थी। आई लव यू अम्बारा। सर सो जाए। नहीं आ रही है नानी, जब आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारी आंखें सामने आ जाती हैं और मैं इनमें डूब जाता हूँ। अम्बारा तुम इतनी प्यारी क्यों? सर ये कैसा सवाल है, आपने मुझे देखा कब है? मोहब्बत है, बिना देखे ही तो मैं चाहने लगा हूं। सर आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? छोड़ना होता तो मोहब्बत क्यों करता? मुझे आजकल की मोहब्बत से डर लगता है। लोग पहले मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। मेरी जान तुम्हारा फरान ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मुझे यकीन है आप पर, आप मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मुझे तुमको देखना है। सर बस कर दे, कोई देखना है, शादी के बाद देख लीजिएगा ना। मेरी जान उतार दो ना नकाब। माशाल्लाह बेपना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत के अगर शायरी लिखो तुम पर तो कलम भी आशिक हो जाए और कदमों में सजदा कर दे। मेरी जान आई लव यू, आई लव यू टू सर। बस आ गया सुकून आपको, शादी के बाद हम उम्रा करने चलेंगे। मेरा ख्वाब है मैं आपके साथ उम्रा करने जाऊं। सर अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज अपने मामा बाबा को भेजे मेरे घर, मेरे पास आओ, मेरे सीने से लग जाओ। भेजूंगा मेरी जान, फिकर ना करो। अम्बारा मुझे माफ कर देना, मेरी मामा की डेथ हो गई है और मरते हुए वसीयत है उनकी, मैं लंदन वाली खाला की बेटी से शादी कर लूं। मैं अपनी माँ को वादा दे चुका हूँ मैं अब कॉलेज नहीं आया करूंगा, कुछ दिन बाद लंदन चला जाऊंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सर
सर आपने मुझे मोहब्बत के नाम पर बर्बाद कर दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, मेरा दामन दाग दाग कर दिया। ऐ मोहब्बत के नाम पे हाथ थामकर छोड़ने वालों, किसी को जिंदगी का हंसी ख्वाब दिखाकर मुकरने वालों, जज्बात से खेलने वालों, कितनी आसानी से जिस्म से खेलकर छोड़ जाते हो। जानते हो कोई फना हो जाता है किसी के बेवफाई पर, वो चाहे मोहब्बत में की जाए या निकाह करके तलाक देकर। खुदा का वास्ता है किसी लड़की को अपनी हवस की दरिंदगी के बाद छोड़ जाना हो तो याद रखना, आसमान से अल्लाह देख रहा है। तुम किसी के कातिल बनकर जी सकोगे ये भूल जाना, या मोहब्बत करना छोड़ दो या मोहब्बत में बेवफाई। कोई अम्मारा आपकी मोहब्बत में एतबार कर ले तो इसका मतलब वो बदचलन नहीं बल्कि वो तुमको वफादार इंसान समझती है। तुम जिससे खेलकर राह बदल जाओ तो बदचलन कोई लड़की नहीं, बदबख्त तुम दरिंदे हो।